Hello students, how are you all doing? I hope you are doing well. And I am Vinita, welcoming you all in Sharda Bal Niketan's online class. Today, the chapter that I am going to explain you from 7th standard Honeycomb book, and the name is The Invention of Vita Wong. It's written by Roald Dahl. Who are the ओल्डेस्ट पीपुल यू नो? वे सबसे पुराने लोग कौन हैं जिन्हें आप जानते हैं? वाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव? आपके पास सबसे पुरानी चीज़ें क्या है? इन योर हाउस, आपके घर में, इन योर सिटी, आपके शहर में, टाउन, कस्बे में, और विलेज और गांव में, हाउ ओल्ड आर दे? और वे कितनी पुरानी हैं? हैव यू एवर विज्ड दैट यू वर ओल्डर? कि आपने कभी इसकी कल्पना की है कि आप बूढ़े होंगे या बड़े होंगे? हैव यू विज्ड दैट आपने कल्पना की है कि यू कुड ग्रो अप इन ए हरी, कि आप जल्दी से बड़े हो जाएं? अब आप बच्चे हो, आप सोचते होंगे कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, या मैं बड़ा होऊंगा तो क्या करूंगा? तो इसी बात को लेके हमारी ये कहानी है, हमारा ये लेसन है। द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंक रॉल्ड डेल द्वारा लिखित है, जिसमें विली वोंका नामक एक वैज्ञानिक है जो कि काफ़ी कष्ट करके सामग्री को इकट्ठा करते हैं। वही ऐसी दवाई या टॉनिक बनाते हैं जिससे लोग जवान हो जाते हैं। लेकिन वोंका वाइट जो कि जवान होने वाली दवाई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके कारण से कुछ लोग इसे खाते ही गायब हो गए, क्योंकि उनकी उम्र माइनस में चली गई। अब इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का अर्थ ये है कि वे जन से भी पूरे समय में जाकर अदृश्य हो रहे हैं। यानी जो ये वोंका वाइट दवाई लेने के कारण क्या होता था, लोगों की उम्र 87 साल कम हो जाती थी। यानी जो 87 साल से बहुत छोटे व्यक्ति है, उनकी माइनस में चली जाती थी उम्र, और उन्हें जन्म लेने के लिए फिर उतने ही सालों का इंतज़ार करना पड़ता था। वोंका वाइट खाने से वास्तव में व्यक्ति 87 साल छोटा हो जाता था अपने जन्म से, जिसका अर्थ है उसे पृथ्वी पर फिर से जन्म लेने से पहले 87 वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसीलिए अब फिर से विली वोंका एक नया आविष्कार करने वाले हैं, एक ऐसी दवाई जिससे लोग बूढ़े हो जाएं, जल्दी से बड़े हो जाएं, और वापस जो अदृश्य हो गए हैं वे ठीक हो जाएं। और उसी प्रकार वे कई जीवित जो जानवर या कोई चीज़ें, पुरानी पुरानी चीज़ें होती है, उनको लेकर एक नई दवाई का निर्माण करते हैं। उसका नाम है विटा वोंका, और यही हमारे इस लेसन में है, द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंक। तो लेसन पढ़ते हैं। मिस्टर विली वोंका बिगेन्स बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। मिस्टर विली वोंका वोंका वाइट के आविष्कार से शुरुआत करता है, विच मेक्स पीपुल यंगर, जिससे लोग जवान हो जाते हैं। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका वाइट बहुत शक्तिशाली होती है। सो इसीलिए सम पीपल डिसअपीयर, इसीलिए कुछ लोग इस दवाई को खाने से डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। बिकॉज क्योंकि देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी उम्र माइनस में चली जाती है। वन पर्सन एक्चुअली वास्तव में बिकम्स माइनस एट 7, एक व्यक्ति 87 साल कम हो जाता है, माइनस में हो जाता है। विच मीन्स ही इज गोट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। इसका अर्थ यह है कि उसे वापस आने के लिए 87 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। मिस्टर विली वोंक मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंक, इन्वेंट आविष्कार करना, इसीलिए
मिस्टर विली वोंका को अवश्य ही एक नई चीज का आविष्कार करना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे। मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स। रोल्ड अप माई स्लीव्स का अर्थ है चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होना। तो मिस्टर वोंका ने कहा, इसलिए एक बार फिर मैं चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हुआ। एंड सेट टू वर्क, और काम करना शुरू किया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन। स्क्वीज्ड यानी दबाव देना, जोर देना। पुनः मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, एक नए रेसिपी, एक नई विधि की तलाश करने के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे उम्र बढ़ानी थी। टू मेक पीपुल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बूढ़ा, ज़्यादा बूढ़ा और सबसे ज़्यादा बूढ़ा। हा हा, वह हंसता है। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम, क्योंकि अब मेरे दिमाग में विचार आने शुरू हो गए थे। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, लिविंग जीवित, कि संसार की सबसे पुरानी जीवित चीज क्या है। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, कौन सी चीज अन्य सभी चीज़ों की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती है। ए ट्री, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा, एक पेड़। राइट, यू आर चार्ली, चार्ली तुम ठीक कहते हो। बट व्हाट काइंड ऑफ ए ट्री, पर किस प्रकार का पेड़। नॉट द डगलस फर, फर चीड़ का पेड़, डगलस फर नहीं। नॉट द ओक, ओक नहीं। नॉट द सीड, सीड देवदार, देवदार का पेड़ नहीं। नो नो माई बॉय, नहीं नहीं मेरे बच्चे। इट इज़ ए ट्री कॉल्ड द ब्रिसल कॉर्न पाइन दैट ग्रोस अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवेदा यूएसए, यूएसए अमेरिका। नेवेदा अमेरिका में एक जगह का नाम है। तो वह वैज्ञानिक उससे कहते हैं, चार्ली से, कि नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये ब्रिसल कॉर्न चीड़ का पेड़ है जो नेवेदा अमेरिका में व्हीलर पीक, व्हीलर पीक एक पर्वत का नाम है, व्हीलर पीक में ढलानों पर उगता है, स्लोप्स ढलान। यू कैन फाइंड, आप ढूंढ सकते हैं, किसको, ब्रिसल कॉर्न पाइन्स, ब्रिसल कॉर्न चीड़ के पेड़ है उनको, ऑन व्हीलर पीक टुडे। तो आप आज भी उस पर्वत पर, उस व्हीलर पीक पर्वत पर आप उस ब्रिसल कॉर्न चीड़ के पेड़ों को ढूंढ सकते हैं। देट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड, जो कि 4000 वर्ष पुराने हैं। दिस इज फैक्ट चार्ली, फैक्ट तथ्य, यह एक तथ्य है चार्ली। आस्क एनी डेंट्रोकोनोलिस्ट, डेंट्रोकोनोलिस्ट क्या होते हैं, जो पेड़ों की, वृक्षों की आयु बताने वाले विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें डेंड्रोकोनोलॉजिस्ट कहते हैं। आस्क एनी डेंड्रोकोनोलिस्ट यू लाइक, आप किसी भी वृक्षों की उम्र बताने वाले विशेषज्ञ से पूछ सकते हो। एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज, वह उसे कहता है, और उस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढना जब आप घर पहुंच जाओ, क्या आप ऐसा करोगे। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, इस प्रकार
मैंने अपना कार्य शुरू किया।